गौरांग की दया का एक प्रसंग सुनो। गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो जा रहे थे, लोग कहते हैं आप इधर मत जाइए। क्यों क्यों? यहाँ का डाकू है। गौर भगवान उधरी गए, देखो डाकू अपने दल बल के साथ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। नाम उसका नरोजी था। उसको कहते नरोजी तेरा जीवन तो ऋषि मुनियों जैसा है, तू जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है, वृक्षों के नीचे सोता है। अभी एकदम भगवान के मुखारविंद से ये शब्द निकले, नरोजी के हृदय पर एकदम आघात हो गया। सोचने लगा आज तक सब लोगों ने गालियां दी, मेरे को गालियां देने लायक तो होते हैं डाकू, ये कौन है जो मेरी स्तुति कर रहे हैं। एकदम हथियार फेंक के आके चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी वंचना नहीं करना, मुझे अपने चरणों में रखो। डाकू शुद्ध हो गया, जिसने सैकड़ों कत्ल कर रखे थे, सैकड़ों लोगों को लूटा था। तो एक दिन भ्रमण में ही उसको बुखार आ गया, गौर भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया डाकू को, और भगवान के दर्शन करता करता देह त्याग दी भगवान की गोद में। प्रिय बंधुओं उसको भी धाम में भेज दिया। अरे ये इतने दयालु हैं, अगर हमने अपना उद्धार नहीं करवाया ना, फिर करोड़ों साल लग जाएंगे और उद्धार नहीं होगा। अगर घर से चिपके रहे, औरत से चिपके रहे थे, परिवार से चिपके रहे, ये कुछ नहीं सहा जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। याद रखो मौका है, हिम्मत करो, बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की जय।